कर्म धारा से ज्ञान धारा में नहीं जाए। पहली बात तो धारा शब्द जो है, पंचम काल में जीव निरंतर ज्ञान धारा में नहीं बह सकता। धारा का अर्थ ज्ञान चेतना है, तो ज्ञान चेतना तो है ही नहीं। कर्म धारा जरूर है। कर्म धारा का अर्थ ही मत लेना कि सांसारिक कर्म। आप पूजा कर रहे हैं, ये भी आपका एक कर्म है। माला फेर रहे हैं, ये भी आपका कर्म है। स्वाध्याय कर रहे हैं, ये भी आपका कर्म है। प्रवचन सुन रहे हैं, ये भी आपका कर्म है। ज्ञान धारा वो कहलाती है समस्त प्रकार की प्रवृत्ति छोड़ करके मन वचन काय की गुप्ती पूर्वक आत्मा में स्थित हो जाना, यह एक ज्ञान धारा कहलाती है। जिस समय व्यक्ति ध्यान में बैठकर आत्मा में लीन है, बस उसी समय ज्ञान धारा है। जिसमें मन चल रहा हो, आंखें चल रही हो, कान व्यापार कर रहे हो, मुख से बोल रहे हो, हाथ पैर चल रहे हो, वो कोई भी क्रिया हो, सब कर्म के अंतर्गत आती है, कर्म धारा के अंतर्गत। आप स्वाध्याय कर रहे हैं तो कर्म धारा ही चल रही है, क्योंकि उसमें मुख भी चल रहा है, मन भी चल रहा है, आंखें भी चल रही हैं। इंद्रिय और मन का व्यापार जहां होता है, वे सब कर्म धारा के अंतर्गत आते हैं, धार्मिक दृष्टिकोण से।